To all the wonderful souls out there, hi fragrance family, this is your own host Gaurav back again with another fragrance video and this time we're going to talk about buying perfume the right way. Bane rahiye is chote se intro ke baad mein. हाय फ्रेग्रेंस फैमिली, जैसा कि मैंने बताया टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट बाइंग परफ्यूम द राइट वे. और इस टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गाइस वी मेक फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस हेयर एंड वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज. वी डू अनबॉक्सिंग, वी डू रिव्यूइंग, वी डू टॉप 5 टॉप 10 फ्रेग्रेंसेज, एवरीथिंग रिलेटेड. और अगर आपको इस कंटेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए सो दैट जितने भी हमारे फ्रेग्रेंस वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें. और अगर लाइक करेंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस फ्रेग्रेंस वीडियो को और लोगों को भी रिकमेंड करेगा. सो दैट्स द सपोर्ट आई नीड फ्रॉम यू गाइस. और गाइस आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप फ्रेग्रेंस एंथुसियास्ट बनना चाहते हैं और आप नए हैं इस परफ्यूम दुनिया में तो मेक श्योर आप पहले थोड़ा सा ये समझिए कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस यू लाइक. कोई भी परफ्यूम आप रश में मत परचेज करिए. सबसे पहले आप कभी भी कोई परफ्यूम टेस्ट करते हैं तो अच्छे से उसको टेस्ट कर लीजिए, समझिए कि आपका जॉनर क्या है. बहुत लोगों को फ्रेश परफ्यूम्स हमेशा अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों को ऊद के परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को वुडी परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को मस्की अच्छे लगते हैं. तो अपना जॉनर जानना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. बिकॉज आप कोई भी परफ्यूम अगर ले लोगे हो सकता है थोड़े टाइम आपको अच्छा लगे बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम ट्रांजिट करेगा आपको हो सकता है वो परफ्यूम अच्छा ना लगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वॉट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू लाइक. सेकेंडली गाइज ये जान लीजिए कि आपको परफ्यूम किस ओकेजन के लिए लेना है. ओकेजन एक बहुत ही बड़ा परचेजिंग फैक्टर होता है बिकॉज कोई भी परफ्यूम आप कभी भी नहीं लगा सकते हो. जनरली लगाने के लिए तो लोग लगा लेते हैं बट उससे फिर वो जो परफ्यूम का मजा है वो नहीं आता. जैसे कि समर फ्रेग्रेंस आप विंटर्स में लगाओगे या विंटर का फ्रेग्रेंस समर्स में लगाओगे तो हो सकता है हेडेक इंड्यूस हो जाए या मज़ा ना आए. तो यू शुड नो व्हाट फ्रेग्रेंस यू आर बाइंग फॉर व्हाट ओकेजन. जैसे कि अगर आप ऑफिस के लिए फ्रेग्रेंस चाह रहे हो तो यू विल वांट टू बाय अ फ्रेग्रेंस व्हिच इज़ अनऑफेंसिव, जो लास्ट करे ज़्यादा बट बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करे सो दैट आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो. क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत चीज़ें प्रोफेशनली की जाती हैं. और अगर आप किसी जैसे पार्टी के लिए फ्रेग्रेंस ले रहे हो या क्लबिंग के लिए फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो वह एक अलग जॉनर हो गया. अगर आप वेडिंग के लिए फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो दैट हैज़ टू बी अ स्पेशल फ्रेग्रेंस इवनिंग का होगा बिकॉज मेजरली वेडिंग्स इंडिया में इवनिंग टाइम पे होती हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना. ओकेजन अगर आप समझ लेंगे तो आपको मज़ा आएगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओकेजन बेस पे नहीं परचेज करना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ फ्रेग्रेंस फॉर ऑल ईयर राउंड, कभी भी आप लगाओ, आई हाईली सजेस्ट यू गो फॉर अ फ्रेश फ्रेग्रेंस. बिकॉज फ्रेश फ्रेग्रेंस हालांकि अच्छे समर्स में ज़्यादा लगते हैं बट आप अगर फ्रेश फ्रेग्रेंस विंटर्स में भी लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा. अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा ओकेजन सेंट्रिक फ्रेग्रेंसेज नहीं परचेज करना चाहते हो तो देन दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू. थर्डली गाइज, जब आप परफ्यूम परचेज करने जा रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट दी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि EDT होता है, EDP होता है और प्योर परफा आपको परफ्यूम की बॉटल्स पर लिखा हुआ मिलता है. तो ये जानना ज़रूरी होता है बिकॉज जब अगर आप ऐसा नहीं जानोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्समैन को बोला कि मुझे एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए तो अगर उसने EDT दिखाया तो हो सकता है वो परफ्यूम ज़्यादा लास्ट ना करे बिकॉज EDT में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, EDP में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और प्योर परफ्यूम में सबसे ज़्यादा होता है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको परफ्यूम कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा लास्ट करता है तो यू डोंट गो फॉर EDT बट रादर गो फॉर फ्रेग्रेंसेज लाइक जिनमें आपको EDP और प्योर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन मिले. जैसे जैसे ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो परफ्यूम की लास्टिंग और प्रोजेक्शन भी बढ़ता है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. और हालांकि अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आप जिम के लिए कोई फ्रेग्रेंस लेना चाहते हो तो जिम में जनरली EDT लेना ही बेटर होता है बिकॉज जिम आप जाते हो तो एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए. यू डोंट वॉन्ट अ फ्रेग्रेंस दैट बिकम्स ओवरवेलमिंग फॉर यू एज वेल एज फॉर अदर्स. तो बहुत ज़्यादा क्लॉइंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जिम में पहन के मत जाइए. सो दैट इज़ हाउ आई रिकमेंड कि EDT, EDP और प्योर परफ्यूम जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो जानना ज़रूरी है. उसके बेस पे अगर आप परफ्यूम बाय करेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी सेंसिबल बाय. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड नो यू आर गोना बाय परफ्यूम ऑनलाइन और ऑफलाइन. अभी जिस हिसाब से ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहा है तो आई हाईली सजेस्ट आप पहले जाके परफ्यूम किसी भी ऑफलाइन स्टोर में टेस्ट करिए. अगर आपको फ्रेग्रेंस अच्छा लगता हो तब आप मे बी थोड़ा सा ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे जाके परचेज कर सकते हैं. देखिए क्या होता है जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, काफ़ी हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी शहर में परफ्यूम के स्टोर्स नहीं हैं. ऐसा करने पे जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि परफ्यूम आपको अच्छा ना लगे क्योंकि आपने ब्लाइंड बाय किया.
तो उससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके परफ्यूम ट्राई करिए, और वहां से लेने पे हो सकता है प्राइस आपको ऑफलाइन स्टोर पे ज्यादा मिले, बट एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो ऑनलाइन में नहीं आ पाता है, बिकॉज जब आप ऑफलाइन कोई चीज ट्राई करते हो तो यू कैन एक्चुअली टच एंड फील द फ्रेग्रेंस। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना भी चाहते हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप परफ्यूम डिकैंट्स या परफ्यूम मिनिएचर्स या ट्रैवल स्प्रे परचेज कर सकते हैं। इस तरह से आपको हो सकता है कि जब वो परफ्यूम ब्लाइंड बाय है आपके लिए और आपने डिकैंट या मिनिएचर्स या ट्रैवल स्प्रे के थ्रू वो परफ्यूम ट्राई किया तो अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आप अपग्रेड कर सकते हो फुल बॉटल में। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो दैट डिकैंट और अ मिनिएचर वुड हैव सेव्ड यू अ लॉट ऑफ कॉस्ट अगर आप वही चीज़ 100 ml की बॉटल ब्लाइंड बाय करते। और अगर आपको नहीं पता है कि डिकैंट्स क्या होते हैं तो प्लीज़ ऊपर बने लिंक पे ज़रूर क्लिक करिएगा। डिकैंट्स बेसिकली इज अ ट्रांसफर ऑफ परफ्यूम फ्रॉम अ बिगर बॉटल इनटू अ स्मॉलर बॉटल व्हिच इज़ डन मैनुअली फ्रॉम आवर साइड। 5 ml, 10 ml, 30 ml की साइजेस में ये मिलता है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नए लोगों के लिए जो परफ्यूम दुनिया में घुसना चाहते हैं बट दे हैव अ वेरी लिमिटेड बजट। सो गाइज दीज आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू कंसिडर बाइंग अ फ्रेग्रेंस सेंसिटिवली, और अगर आप ऐसा करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आपको फ्रेग्रेंस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपकी परफ्यूम परचेज हैबिट कैसी है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।